तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं सेक्शंस थर्ड, राइट, लैंग्वेज टेस्ट। तो पहला जो सेक्शन होते हैं उसमें, सेकंड जो आपके सेक्शन होते हैं उसमें आपको एथमेटिक टेस्ट पूछा जाता है, और जो थर्ड है वो आपको लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाता है, राइट। तो लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज में रखा है तो हिंदी आएंगे बच्चों आपका, और अगर आपने इंग्लिश रखा है तो आपके इंग्लिश आएंगे, या आपने उर्दू रखा है या फिर बंगाली रखा है, जो भी लैंग्वेज आपने रखा होगा बच्चों वो आपके आएंगे, राइट। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सेक्शंस में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं लैंग्वेज में। तो देखो डायरेक्शन जो दे रखा है आपको बच्चों, ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2021 में पूछे गए पैसेज हैं, इस पैसेज को आज हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट सारे बातों को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन के अप्रोच को लगाना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो पैसेज होते हैं ना, पैसेज को दो तीन बार आप जरूर रीड करो, जिससे क्वेश्चन के एक मीनिंग ए टू जेड सारे बातें आपको समझ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों आपको 61 से लेकर के 80 तक दे रखे हैं आपको, राइट। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं। तो देयर आर फोर पैसेज होते, चार पैसेज आपको मिलेंगे थर्ड सेक्शन में। दिस सेक्शन ईच पैसेज एज अ फॉलो इज द फाइव क्वेश्चंस और ईच सेक्शंस में है, मतलब ईच पैसेज में फाइव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीड ईच पैसेज इन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, राइट। तो सभी जो क्वेश्चन है ना, सभी को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद उसका आंसर्स देने हैं। फॉर ईच क्वेश्चन फोर प्रॉब्लम्स प्रोबल्स आंसर्स एज ए बी सी डी, और एक क्वेश्चन के चार आपके ऑप्शन मिलेंगे प्रोबेबिलिटी, राइट, आर गिवन ओनली वन आउट ऑफ दिस करेक्ट, एक उसमें से करेक्ट होंगे बच्चों। चूज द करेक्ट आंसर्स एंड डार्क द ईच सर्कल इन द ओ आर एम सीट, ओ आर एम सीट्स मिलेंगे, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डार्क करना है, सर्कल कर देना है, ओके, सीट्स अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप जब भी आप ओ एम आर सीट जो भरेंगे बच्चों उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन था आपका, ओके। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज को समझते हैं, फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। तो देखो सबसे पहला पैसेज क्या है, दीपक वॉज एक्साइटेड, क्या कह रहे हैं दीपक, क्या है बच्चों, एक्साइटेड है, दीपक वॉज एक्साइटेड, दीपक एक्साइटेड था। ही वॉज गोइंग ऑन पिकनिक ऑन संडे विद हिज अंकल्स कजन्स एंड प्रीत एंड रिया। तो दीपक क्यों एक्साइटेड था, क्योंकि संडे को वो अपने अंकल के साथ और उनके जो कजन्स थे प्रीत एंड रिया उनके साथ वो पिकनिक स्पोर्ट्स पे जा रहे थे। सो ही पिक्ड हिज पैक, कह रहे बैक पैक विद हिज स्विमिंग किट्स एंड स्नैक्स एंड प्ले थिंग्स। अब उन्होंने जब एक्साइटेड थे जो संडे को स्टार्ट किया जाना, तो उन्होंने अपना बैग पैक किया एंड साथ में क्या लिया बच्चों, स्विमिंग किट भी ले लिए एंड स्नैक्स लिए एंड खेलने के भी कुछ सारे वस्तुएं लिए। दे स्टार्टेड एट 6 AM, वो कितने बजे स्टार्ट किए बच्चों चलना, 6 AM इन द मॉर्निंग, ओके। सो इट वॉज लॉन्ग ड्राइव, दे रीच पिकनिक स्पॉट्स एट 9 AM। तो वो लंबा ड्राइव करने के बाद 9 AM में पिकनिक स्पॉट्स पे पहुंच पाया। इट वॉज फार्म हाउस इन अ विलेज, और वहीं पे क्या था, फार्म हाउस के पास ही विलेज थे। दे वॉक अराउंड द विलेज एंड सी द पैडी फील्ड्स एंड लर्न हाउ टू राइज इज ग्रोन। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो गांव के, क्योंकि फार्म हाउस के बगल में क्या था, विलेज थे, तो वहां पे कैसे धान को लगाया जाता, ग्रोन किया जाता है, उनके बारे में भी वो क्या किया बच्चों, स्टडी किया। दे क्लाइम ट्रीज एंड पिक्ड इन मैंगोज एंड गावा, उन्होंने क्या किया बच्चों, मैंगो ट्रीज पे क्या किया, क्लाइम भी किए, चढ़े भी, और एंड द आफ्टरनून दे सेट अंडर द ट्री एंड लंच। फिर आफ्टरनून इट मीन्स दोपहर में वो ट्री के नीचे बैठे और वहां पे उन लोगों ने लंच किया। व्हेन अंकल सेड सैड इट वाज टाइम टू गावा इज आफ्टरनून दे अंडर द ट्री एंड दे हैड लंच। उनके अंकल भी उनके वहां पे बैठे और उसके अंडर, मतलब जो गावा का मतलब ट्रीज थे, मैंगो के जो ट्रीज थे उसके अंडर बैठ करके उन लोगों ने लंच किए, ओके। When uncle said it was time to return home, they wanted to say long because they linked the village so much. कह रहे हम लोगों का जो घर है काफी दूर है, फिर भी हम लोगों को गांव में आ करके, यहाँ पे विलेज में आ करके
बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सो अगर नज़दीक होता तो हम लोग इनको रिपीट भी करते, बट लॉन्गर टाइम के वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत होंगे, तो बट वी विल सो एक्साइटेड, राइट। मतलब वो लोग काफ़ी खुश हो गए बच्चों पिकनिक स्पॉट्स पे आ कर के। ठीक है, तो ये तो कुछ पैसेज थे जो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कर लेना, एक बार फिर से आप इसको समझना, ओके। चलिए तो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पैसेज को दे करके। देखो इसमें कह रहे द वर्ड एक्साइटेड, राइट। एक्साइटेड की मीनिंग्स क्या होगा, है ना। एक्साइटेड मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, बहुत खुशी होगा, है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, खुशी तो हुआ। सो देखो कह रहे कॉन्फिडेंट, नहीं, वेरी हैप्पी, यस दिस इज द राइट आंसर बच्चों, वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया ना। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू पिकनिक स्पॉट्स ना, तो इसी वजह से वो ज्यादा खुश हो गए, काफी एक्साइटेड हो गए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दीपक एंड हिज कजन्स, राइट, दीपक एंड हिज कजन्स felt bored to village या enjoyed the picnic, wanted return to home या could not climb the tree। तो बच्चों वो लोगों ने क्या किया, काफी enjoy किया ना। दीपक एंड उनके जो cousins थे, कौन कौन cousins थे बच्चों, देखो यहाँ पे दीपक हो गए बच्चों, और उनके जो cousins थे कौन थे, प्रीत थे एंड रिया, काफी enjoy किया ना picnic sports पे, तो this is the right answer, clear। चलिए अब देखिए तीसरा question पूछ रहे हैं क्या। दीपक वेंट ऑन द पिकनिक विथ हिज, तो दीपक किनके साथ पिकनिक स्पॉट्स पे गए थे, तो पेरेंट्स के साथ गए थे, फ्रेंड के साथ, सिस्टर या अंकल एंड कजन्स, तो अंकल एंड कजन के साथ गए थे बच्चों, है ना। चलिए बहुत इजी लग रहा है ना, कह भी रहे यहाँ पे ना, अंकल एंड हिज कजन्स, राइट। ठीक है, सारे आंसर इसमें दिए रहते हैं बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इनको एक से दो बार रीड करना है, ओके। सो The picnic spot was in, तो picnic spot क्या था बच्चों, पार्क था, बीच थे या स्विमिंग पूल थे या विलेज थे, तो ऑब्वियसली उसके नीचे क्या है बच्चों, विलेज ही थे ना, तो विलेज हो जाएगा। अब कह रहे अंकल सो दीपक हाउ वेट इट वी इट या टू स्विम या टू ड्राइव या राइस इज ग्रोन, तो राइस इज ग्रोन, तो उन्होंने यही तो सिखाया बच्चों कि वहां पे जो विलेज थे, तो वहां पे दिखाया गया था कि पेडी फील्ड एंड लर्न हाउ टू राइस इज ग्रोन, देखो How to rice is grown, rice is grown, तो this is the right answer, क्या होगा, rice is the grown, I hope समझ पा रहे होंगे बातों को अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारे पांचों क्वेश्चन आपने अच्छे से आंसर दे दिए, अगर आपको पहले से भी आंसर पता है तो इसका कमेंट करके आप मुझे बता देना। चलिए उसी तरीके से मैं दूसरा पैसेज भी पढ़ता हूँ, फिर अगर आपको पैसेज पढ़ने के बाद आंसर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, राइट। चलिए इससे मुझे ये लगेगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आपको क्वेश्चन की फील आ रहा है, ओके। मैं पहले आपको पैसेज समझाऊंगा, पैसेज के बेस पे अगर आपको पैसेज समझ गए तो उसका आंसर आप मुझे आंसर देने से पहले ही आप मुझे बताओगे, राइट। चलिए तो पैसेज सेकेंड में देखिए कह रहा हैव यू प्लेड द टग ऑफ वॉर, वाओ कितना अच्छा गेम है बच्चों, टग ऑफ वॉर, राइट, मतलब रस्सा कसी वाला जो गेम होता है जो ओपन प्लेसेस में खेला जाता है बच्चों, इससे काफी एक्साइटेड होता है। आप चाहो तो इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर्स जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस फिगर में देखिए कैसे बच्चों दोनों तरफ से, इसमें दो टीम्स होते हैं, दोनों टीम्स अलग होते हैं, बीच में एक लाइन रहता है, उस लाइन से दोनों तरफ के बच्चे टीम जो होते हैं बच्चों एक दूसरे से रस्सा कसी टग ऑफ वॉर को अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में खेलते हैं, आप इस फिगर से एनालाइज कर सकते हैं, ओके। सो चलिए आगे देखते हैं, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, काफी इसमें मजा आता है बच्चों को। सो टू प्ले दिस गेम्स वी नीड टू सम ओपन स्पेस, ऑब्वियसली इस गेम को खेलने के लिए हम लोगों को ओपन स्पेस की नीड होती है, जरूरी होती है। सो अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड टू टीम्स ऑफ द प्लेयर्स, दोनों टीम के पीस मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग रोप यानी एक रस्सी होता है बच्चों, जो आपने फिगर में अभी देखा भी कि कैसे खींच के रखते हैं उसको। सो द गेम इज इंटरेस्टिंग ओनली बोथ ऑफ द टीम आर स्ट्रॉन्ग, दोनों टीम काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन बोथ ऑफ द टीम, राइट। आप फिगर से आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच में एक लाइन होते हैं,
और उस लाइन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, दोनों टीम एक दूसरे से खींच रहे होते हैं। जो टीम बच्चों एक टीम को उस लाइन से पार करा देता है, मतलब लाइन पे ले आता है उस टीम को खींच करके, वो टीम जीत जाता है। राइट, सो द टीम विच गेट पुल एंड मेड ऑफ द क्रॉस द लाइन्स एंड मिडिल्स द टीम ऑफ गेम इज लॉस्ट द गेम। जो टीम उस लाइन को क्रॉस कर जाता है, इट मींस उसको खींच करके क्रॉस लाइन तक लेके आ जाता है, वो टीम गेम लॉस कर जाता है, मतलब गेम हार जाते हैं। द स्ट्रॉन्गर मेंबर्स ऑफ द टीम स्टैंडिंग इन ऑफ द रोप एंड द टीम पुल एंड अनइंटेंडेड मैनर दे प्ले द गेम शुड बी क्लीन एंड स्टोन्स अदरवाइज इट्स मे सम इंजीनियर्स। तो जहाँ पे ये गेम खेला जाता है ना बच्चों, वहाँ पे जो ग्राउंड होता है ना काफ़ी क्लीन होनी चाहिए, वहाँ पे कोई छोटे छोटे पत्थर कंकर नहीं होनी चाहिए, जिससे जो बच्चे खेलेंगे वो काफ़ी इंजीरियस हो सकते हैं, उनको चोट लग सकता है, क्योंकि वो गिर भी तो सकते हैं, क्योंकि रस्सी को खींच रहे थे, रोप को वो खींचते हैं तो हो सकता है फिसल जाए, तो उनको चोट लग सकता है। तो वो जो लैंड होनी चाहिए ना, ओपन स्पेस जो होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। क्लियर, आई होप ये सभी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको 2 या 4 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप उस टाइम बाउंडेशन में आप मुझे बताएंगे कि किसका आंसर्स क्या होगा। ओके, चलिए तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टग ऑफ वॉर इज, ऑप्शन है अ वॉर होता है, अ रोप होता है, अ गेम होता है, अ फाइट होता है। आपके पास 2 सेकेंड्स का टाइम है, आप 2 सेकेंड में, अगर आपको आंसर ए पता है तो आप ए लिखेंगे, बी पता है तो आप लिखेंगे बी, सी है तो सी, डी है तो डी, जो आपको पता है वो आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए तो देखिए, टग ऑफ वॉर मतलब क्या हुआ, रस्सा कसी गेम किसका होता है, वॉर का होता है या रस्सी का होता है या गेम होता है या फाइट होता है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब मैं आंसर बताता हूँ, ये जो बच्चों रोप का वो मतलब रस्सी का गेम होता है, क्यों, क्योंकि रस्सी ही तो खींचते हैं, तो रस्सी वाला गेम्स होगा। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब द कह रहे कि इन, ओके चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ अच्छे से। इन टग ऑफ वॉर वी डू, क्या टग ऑफ वॉर किसके, बॉक्सिंग करते हैं या हाइडिंग करते हैं या रोप पुलिंग करते हैं या बैटिंग एंड बॉलिंग करते हैं। राइट, तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तो आप ए बोलिए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। चलिए मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए तो अब समझते, देखो बच्चों टग ऑफ वॉर रस्सा कसी है तो ऑब्वियसली रोप को तो पुलिंग करेंगे ना, रोप को तो खींचेंगे, तो दिस इज द आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ टीम, जिसका रोप एंड हो जाता है, सारा रोप खत्म हो जाता है, ओके वो क्या करते हैं, टॉलेस्ट होते हैं या शॉर्टेस्ट होते हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं या यंगेस्ट होते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। चलिए टाइम आपका अब स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो बच्चों कह रहा है कि जो एंड ऑफ द रोप, जिसका रोप एंड हो जाता है, वो टीम क्या होगा बच्चों, हार जाता है यानी लॉस कर जाता है, तो वो टीम क्या होगा, वीक होगा। और दूसरा टीम जो होता है बाय हेल्ड द मेंबर ऑफ टीम, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है या वीकेस्ट हो जाता है या फिर स्टॉलेस्ट हो जाता है, तो इस जो रिप टीप हो जाता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, उसका रस्सी खत्म हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, गेम हार जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। तो आप यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट कह सकते हैं, यंगेस्ट कह सकते हैं या टॉलेस्ट कह सकते हैं। तो जो टीम खींच लेता है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बच्चों, मजबूत टीम होता है, उस रस्सी को खींच लेता है, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन द मिडिल इज, कह रहे बच्चों द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन द मिडिल द विनिंग या लूजर्स या सक्सेसफुल गिवन अनदर चांस। तो मुझे इसका कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, टाइम इज ओवर। तो अब मुझे बताएं, टीम विच पुल अक्रॉस द लाइन द मिडिल्स, विनिंग टीम्स होते हैं, ऑब्वियसली बच्चों विनिंग टीम ही होगा,
जो उसको खींच करके लाइन के बीच में ले आता है वो विन टीम हो जाता है। चलिए अब देखें कि द वर्ड यूनाइटेड मीन्स, कह रहे कि यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, टुगेदर होता है या फिर फाइट होता है या पुल होता है या विनिंग होता है। तो देखो जो यूनाइटेड है ना बच्चों, इसका क्या होगा, यूनाइटेड मतलब क्या होता है, टुगेदर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कह रहा है रोप द टीम पुल रोप इज यूनाइटेड मैनर, दोनों एक तरीके से खींचता है, एक मैनर से खींचता है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों टीम जो होता है पुल रोप इज यूनाइटेड यानी टुगेदर एक साथ, मतलब टीम ए है और अगर टीम बी है ये बीच में रस्से हैं तो ये टीम इधर की तरफ खींचते हैं और ये टीम इधर की तरफ खींचते हैं, और ये टीम अगर यहाँ इसको खींच के लेके आ जाएगा इस मिडिल रस्सी पे राइट, तो ये टीम जो है वो विन कर जाता है, मतलब ये टीम जीत जाएंगे राइट। अगर ये टीम इसको खींच के, ये टीम अगर इसको खींच के यहाँ लेके आ जाएगा इस रस्सी से इस पार, तो ये टीम विन कर जाएंगे। दिस इज द टग ऑफ वॉर। आई होप ये दोनों पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा राइट। तो मिलेंगे नए पैसेज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।